सो इट्स पीपल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज जो अपनी गाड़ी है उसमें लगने वाला है भाई इंफोटेनमेंट डिस्प्ले बीच वाला। जैसे कि आपको पता होगा, पहले जो हमने रेड्स वाला लगा रखा था, बट फाइनली चेंज तो होना ही था और उसमें दिक्कतें भी आनी स्टार्ट हो गई। दिक्कत तो नहीं था, बेसिकली एक थोड़ा पीछे तार की दिक्कत थी, आपने हर्ष वाले चैनल पर देख लिया होगा, वो भी एकदम ठीक है। बट अब मेरे को थोड़े से बड़े साइज में जाना था और समथिंग डिफरेंट चाहिए था बेसिकली। तो आपको सारा देखेगा इस वीडियो के एंड तक, देखिएगा काफ़ी बड़ी स्क्रीन है भाई। सेकंड चीज़ गाइज, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बोडमो के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली बोडमो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी के लिए सारे ओरिजिनल पार्ट्स मंगा सकते हैं। सपोज कीजिए ये जो मैंने मंगाया है, ये एंड्रॉइड में बाहर से लगा रहा हूं, अगर मेरे को सेम बोडमो से मंगाना होता, अगर ओरिजिनल पे जाना होता, तो वो भी बोडमो मिल जाता। बोडमो पे किसी भी कंपनी का पार्ट आसानी से मिल सकता है। कैसे ऑर्डर करना है तो मैं आज आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे बोडमो से ऑर्डर कर सकते हैं। बोडमो से कैसे ऑर्डर करना है तो मैं आपको बताता हूँ। आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर पे इसकी ऐप जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे आप पार्ट नंबर या पार्ट क्वेरी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और इजियर वे होगा कि आप विन नंबर भी डाल सकते हैं। कार के थ्रू अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे आपको कार मेकर डालना होगा, जहाँ पे आपको सारे कार मेकर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं सपोज कीजिए अपनी गाड़ी के बारे में डालता हूँ, तो मारुति आता है यहाँ पे। उसके बाद मॉडल लाइन में मेरे को बलिनो डालना होगा। ईयर में कौन सी ईयर की मेरी गाड़ी है वो डालना होगा। एंड मेक श्योर कि आप सब कुछ सही डालें। उसके बाद मॉडिफिकेशन में यहाँ पे आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 देखना होगा। तो अपनी जो है वो टाइप 1 अल्फा है, तो यहाँ पे 1.2 अल्फा टाइप 1 आपको दिख रहा होगा, ये आ जाएगा। उसके बाद सर्च पार्ट्स पे जाएंगे तो आपको जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। ऊपर जाके है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और याद रहे कि सारे पार्ट्स ओरिजिनल है, OEM है। उससे भी एक और दूसरा वे बताता हूँ मैं आपको। सर्च OEM कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको पूरा कैटलॉग मिल जाएगा आपकी गाड़ी का, जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज आपको इंजन का कुछ पार्ट चाहिए तो आपको इंजन पे क्लिक करना होगा। एंड उसके बाद गैस जो है, जहाँ आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंजन से रिलेटेड सारे जो हैं आपको यहाँ पे पार्ट मिल जाएंगे। अपनी गाड़ी में जो है आज हम लोग एंड्रॉइड लगवाने वाले हैं 9 इंच में। इससे पहले अपनी गाड़ी में 7 इंच लगवा था, बट अब जो है 9 इंच की तरफ हम लोग जा रहे हैं। प्लान था 10 इंच का, बट अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं 9 इंच में जा रहा हूँ। एंड ब्रांड जो चूज़ करिए, हमने स्मार्ट सोनिक करिए, बिकॉज अभी तक जो है मैं स्मार्ट सोनिक ही यूज़ करता आया था। इसमें DSP है। सो गाइस, बेसिकली DSP वाला मॉडल ये रहेगा। तो DSP का मतलब होता है डिजिटल साउंड प्रोसेसर करके, तो DSP इनसाइड है और ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। वो सब मैं बाद में दिखाऊंगा। ये रहा अपना यहाँ पे 9 इंच का आपको दिख रहा होगा बेसिकली। एंड पिछले वाले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये, पिछला वाला इसका हाफ से भी लगभग हाफ था। तो लेट्स सी इसकी परफॉर्मेंस कैसी आएगी। और ये वेरिएंट कौन सा छोटे? 10.1 एंड्रॉइड है। हाँ, पर नहीं, फुली एंड्रॉइड। इसका रैम बता, 2+16 वाला। सो गाइस ये देख सकते हो, इसमें ये वेरिएंट्स आते हैं मेमोरी और फ्लैश में, 1/16, 2/16, 4/32 और ये सब आते हैं। तो हमने 2/16 वाला चूज करा है। अभी ये परमानेंट नहीं है, केवल टेम्परेरी करवा रहा हूँ। थोड़ा आगे प्लान बनाया, कुछ हुआ तो वो भी चेंज करा लूंगा। तो अब जैसी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी उसके बाद मैं दिखाता हूँ। अपनी गाड़ी का जो सारा काम हो रहा है बेसिकली करोल बाग में मैं करा रहा हूँ, हर्ष कार श्रृंगार पे। एंड एंड्रॉइड लगवाने आया हूँ। कौन सा एंड्रॉइड लगा है, कब लगा हुआ मैं आपको बता दूंगा। हर्ष कार श्रृंगार एड्रेस आप देख सकते हो, 611 रोड। क्या एड्रेस है? 16/11 आरडी चैंबर रोड एड्रेस। और ये छोटू मिल जाएगा, तू ही मिलेगा ज्यादातर यहाँ पे? नहीं, तो मेरे पापा बैठते हैं और मामा बैठते हैं। पापा और मामा, मैं तो कभी कभार आ जाता हूं। तो आ जाते हैं भाई? नहीं यश, कभी नहीं, कभी कभी बैठता है। तो 16/11 आरडी चैम्बर आर्य समाज रोड करोलबाग न्यू दिल्ली। सामने जो वहाँ पे अपनी लोहे वाली पार्किंग है, तो आपको उससे अंदाजा लग जाएगा। और यहाँ पे अलॉय वाले हैं, टायर वाला और ये करके, उसके एकदम इधर ही अपने में यहाँ पे हर्ष कार श्रृंगार नाम से। तो मेक श्योर यहीं पे आएगा और अपनी गाड़ी का जो एंड्रॉइड है मैं चेंज करा रहा हूँ। बेसिकली अपनी गाड़ी में भाई पहले ये 7 इंच वाला लगा हुआ था, बट ये आपको याद होगा कि रिट्स का था। और रंजीत भी आपने लगाया था ये? हाँ जी, हम रिट्स में आपने लगाया था ना। तो रिट्स में रंजीत भाई ने लगाया था और आज वापस फिर से अपनी जो स्विफ्ट है उसमें रंजीत भाई लगा रहे हैं। बट आज जो है हमने चेंज करा है ब्रांड। हम लोग स्मार्ट सोनिक पे ही रह रहे हैं, ब्रांड हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि अच्छे से हम लोग मतलब इसमें अपना आदत पड़ चुकी है। तो लेट्स सी कि कैसा कुछ जो है लगेगा लगने के बाद। एंड ये छोटा साइज था और यहाँ पे इसके यश के हाथ में आपको दिख रहा होगा कि अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज होने वाला है, तो अपग्रेड तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। ये सारा कपलर टू कपलर काम होता है बेसिकली। देखो एक कपलर की देरी होती है, इसमें भी सारा कपलर है और इधर भी कपलर है। विल शो यू एक ऐसा कुछ जो है रहने वाला है। कौन वाले? अच्छा, सिंगल इंजन के लिए बोलियो। देखो उसमें क्या क्या दिक्कत है। नदीम बाबू जाओ पहुंचो। इस पे ये जैक लगेगा ना? इस पे हाँ ये लग जाएगा। है सब चीज़ें ये लग जाएगी। ये रख लो। सो गाइस ये रहा अपना पुराना स्मार्ट सोनिक का ही और ये रहा नया। तो कुछ चेंजेस आए हैं कि भैया 2-3 साल में और अब में इसमें अपडेट? हाँ बहुत अपडेट आया है। ये पहले 10 था, ये 10.1 था। और मेरे हिसाब से ये वो होगा 512 MB रैम वाला वेरिएंट होगा। हाँ। है ना?
बाकी भाई ये देखो एक्चुअल में तो पता नहीं होता अंदर किसी को क्या कुछ होता है, बट हाँ जो भी है 2 GB और 16 GB वाला वेरियंट हम लोग जो है लगाने लग रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कनेक्शन होने स्टार्ट हो चुके हैं अपने जो 10 इंच वाले में रहने वाला है उसका, और लेट्स कॉल इट 10 बिकॉज ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। गाइस लुक्स ऐसे कुछ हैं, और यहाँ पे मैंने खुलवा के जो है बेसिकली अपना माइक लगवा रहा हूँ, बिकॉज एक तो इसमें इनबिल्ट होता है, बट आपको और भी अगर अच्छी वॉइस चाहिए हो तो आप एक एक्सटर्नल माइक भी लगवा सकते हैं, उससे ये हो रहेगा ड्राइवर साइड में अगर मैं गाड़ी चलाते हुए बात करूंगा तो वॉइस जो है सही आएगी, एकदम क्लियर आएगी, और बार बार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को हाथ से फोन। तो गाइस यहाँ से देख सकते हो भाई कनेक्शन जो है पूरा हो चुका है, अब एक बार इसको ऑन करके देखते हैं, और सारे फंक्शंस तो मैं आपको तसल्ली से समझा ही दूंगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई एंड्रॉयड जो है अपना चल चुका है, और काफी चेंज हुआ है पिछले वाले से, बिकॉज पिछला वाला अलग था। और अच्छा इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक होती है विशु भैया, मतलब पता कैसे चलता है इसमें कि कितने GB है, इसमें आता है लिखा? तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो DDR मतलब जो है रैम रहती है अपनी DDR, वो 2 GB दिखा रखी है, एंड फ्लैश जो अपनी मेमोरी है वो 16 GB दिखा रखी है। अब एक्चुअल में नहीं बता सकते अंदर क्या होता है, बट हाँ यहाँ पे दिखाने को 2 GB और 16 GB है, वो अब आपके ऊपर है कि आपको कैसा लगता है। तो भाई ये जो है अर्नो का मैं बदला के लाया था, बल्ब थोड़ा सा खराब हो गया था। एनीवेज तो भाई ये आ जाता है अपना जो पूरा एंड्रॉयड है, और एक बार जो है मैं इसको पूरा ऑन कर दूँ ताकि जो है चीं चीं की आवाज़ ना आए बार बार। एनीवेज अभी जो है भाई इसको मैं एक बार रीसेट करूँगा, वैसे तो आप देख सकते हो इंटरफेरेंस अपना कुछ ऐसा मिल जाता है आपको जो ये है, और अभी एक बार मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। तो बेसिकली सेटिंग्स में जाएंगे हम लोग, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आएगा अपना नीचे बैकअप एंड रीसेट, तो एक बार रीसेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, बिकॉज ये है एक बार रीसेट करना मांगता है, तो एक बार रीसेट कर दूंगा ये, बिकॉज 2 अकाउंट इसमें ऑलरेडी हैं, तो ये कर देते हैं एक बार रीसेटिंग। तो भाई बेसिकली यहाँ पे जो है अपना एंड्रॉयड इरेजिंग हो रहा है, वो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आई विल शो यू कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, एंड अपने पुराने वाले का क्या हुआ क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो मैं आपसे 2-3 चीज़ें शेयर करूंगा, और तो गाइज ये बेसिकली भाई रीसेट हो गया अपना यहाँ पे, तो इसमें सेटिंग्स वेटिंग्स में जो है सब कुछ डालूंगा, अभी कुछ भी सेट नहीं है। तो वो सबसे फर्स्ट में जो है आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो यहाँ पे सारे, ठीक है ये आपकी मर्जी है कि आपको क्या, मान लीजिए हमने सेट वॉलपेपर कर दिया तो ये डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा, एंड ये विजेट्स जो है ये भी हटा सकते हैं आप, इनकेस अगर आपकी मर्जी है कि आप कुछ और लेके आना चाहते हैं। सपोज कीजिए मैं इसको प्रेस करके रखूंगा तो ये जो है अपना म्यूजिक सिस्टम में चले जाएगा, जो अपना लोकल म्यूजिक रहते हैं यानी कि पेन ड्राइव के साथ जो अगर है आपने लगवा रखा है तो। एनीवेज अब मैं लेके चलता हूँ आपको सीधे अंदर की तरफ। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ऐप्स जो है आपको प्री लोडेड मिल जाती हैं, अभी मैं एक बार अपना अकाउंट साइन इन कर लूँ उसके बाद आई विल शो यू। तो काफ़ी सेक्सी सेक्सी फीचर्स इसमें, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, ट्रस्ट मी एंड वर्थ है ये। और आप रिस्पॉन्सिवनेस देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एज सच कोई इशू नहीं है। सेटिंग्स में जाके मैं एक बार आपको दिखा दूँ बेसिकली कि अपना कितना वर्जन है। तो यहाँ जो है आपको अबाउट में जाना पड़ेगा अपना। तो भाई यहाँ से मैंने अपना वाईफाई जो है कनेक्ट कर दिया है, राजपूत हाउस 5G आ गया होगा। तो अब इसके बाद एक बार जाके जो है मैं सेटिंग्स में फटाफट चेक कर लूँ कि कोई अपडेट आया हुआ है या नहीं आया हुआ, इन केस आया हुआ होगा तो अपने को पता चल जाएगा। सिस्टम अपडेट में एक बार जाके चेक कर लेते हैं। तो एक बार अकाउंट डालना पड़ेगा अपना यहाँ पे। सो गाइज इस आवाज़ को मैं म्यूट करूंगा, सिद्धू मूसे वाले का गाना है बेसिकली, गेम और यूट्यूब में चला रहे हैं हम लोग, तो फुल HD पे चल रहा है ये अभी, 1080p दिखा दूँ मैं आपको, सपोर्ट करता है यहाँ पे क्वालिटी में जो है, अगर मैं इधर दिखाऊँ आपको 1080p पे है जो चल रहा है। तो अभी जो है मैं आपस एक बार क्वालिटी देख लीजिएगा, और एक बार जो है मैं म्यूट कर दूंगा, और फिर एक 4K वीडियो भी चलाऊंगा, तो लेट्स सी कि 4K चलता है या नहीं चलता। सो गाइस आई होप कि आपको इससे अंदाज़ा पड़ गया होगा, तो लेट्स प्ले कोई एक 4K वाली वीडियो चलाते हैं एंड देखते हैं कि भाई कितना तक जो है रेजोल्यूशन अपना सपोर्ट करता है बेसिकली एंड्रॉयड जो है यहाँ पे। एंड इसको एक बार नीचे उतार देते हैं, यहाँ पे यू गो एंड यू सर्च फॉर 4K। सो गाइस ये कि 4K वीडियो है, एंड लेट्स सी कि ये सपोर्ट करता है नहीं करता अपना जो बेसिकली एंड्रॉयड है। एंड ऊपर से जाके वी विल सी कितना कुछ जो रेजोल्यूशन है यहाँ से दिखा रहा है। तो पहले एक बार जो है ये मेरे हिसाब से ऐड आएंगी। सो गाइस क्वालिटी बेसिकली 1080p 60 पे ही रह रही है, बट हाँ उसमें भी काफ़ी ज़्यादा साफ है। एक बार अभी आ जाए देख लीजिएगा आप। तो 1080p पे अभी इसने लोड नहीं करा है, हाँ अब हो चुका है।
सो गाइस आपको क्वालिटी का अंदाजा पड़ जाएगा अभी, क्योंकि नेट इतना तेज नहीं आ पा रहा है यहाँ तक, तो स्टिल यहाँ से आपको दिख जाएगा कि हाँ काफी ज्यादा ब्राइट है। एनीवेज यूट्यूब पे हमने करी बहुत देर बाद, अब चलते हैं हम लोग एक बार ये सारी ऐप्स जो हम लोग क्लोज कर देते हैं और आपको एक जल्दी से वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो भाई बेसिकली देखो अपने जो है ये आपको सेम मैंने बताया था पिछली बार भी। तो गाइस अब बात करते हैं एंड्रॉइड की, तो भाई ये बेसिकली एंड्रॉइड 9.1 है। पिछली बार जब अनबॉक्सिंग कर रहे थे तो इसमें शायद गलत बता दिया था। एनीवेज यहाँ से आपको जो है वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको ये अपना आ गया लोकल म्यूजिक, पेन ड्राइव म्यूजिक अगर आपके पास जो पेन ड्राइव है उसमें आपने डाल रखा है तो आपको यहाँ पे बस ऐसे प्रेस करके रखना रहेगा एंड उसके बाद ही आप देख सकते हो ये सारे हैं। तो हम लोग एक बार मान लीजिए ये लगा देते हैं तो आप देख सकते हैं कि सेट वॉलपेपर ये हो चुका है अपने पीछे से। एंड उसके बाद ये ब्लूटूथ म्यूजिक है जो अपने ब्लूटूथ आपके डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपनी गाड़ी में। नेविगेशन है यहाँ पे, तो नेविगेशन में जो है इनकी अपनी एक खुद की नेविगेशन है जिसको जीपीएस की ज़रूरत है बट इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, बट वो इनडायरेक्टली आपको जो है इंटरनेट देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग अभी एक बार कैंसिल कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको दो तीन और मिल जाते हैं नेविगेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो मैप्स। बेसिकली यहाँ पे मैप्स की बात करूँ तो ये गूगल मैप्स है अपना एंड सेलेक्ट कंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बार इंडिया कर देते हैं। तो गाइज मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम रख रहा हूँ बिकॉज स्क्रीन वो वाइट जा रही है बार बार। एनीवेज बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे नेविगेशन की, तो आपको जो है थोड़ा स्मूथली टच करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए आप हार्ड प्रेस करते रहेंगे तो उसमें चांसेस हैं कि कभी कभी ना दबे, बट अगर आप एकदम स्मूथली टच करेंगे तो ये बात बन जाएगी। तो इसको टच करने का भी एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। एनीवेज यहाँ पे आपको प्ले स्टोर मिल जाता है, जैसे मैं बताया स्मूथली टच करेंगे आपको वैसे नहीं मारना, तो ये प्ले स्टोर देख सकते हो कि सारे गेम्स वेम्स जो हैं आप अपने इसमें कर सकते हैं। एंड उसके बाद वापस अपने को यही प्रेस करना होगा। यूट्यूब मैंने आपको दिखा दिया था ऑलरेडी कि यूट्यूब भी अपना एकदम बढ़िया चल रहा है भाई और कोई भी इशू नहीं है। एंड ये देख सकते हो सारा से एकदम जो है सही से लोड हो रहा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं मैप्स की तरफ, तो मैप्स में जो आपको गूगल मैप्स मिल जाते हैं, यहाँ पे दो तीन मैप्स हैं इसमें जो आप चूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मोस्टली मैं जो गूगल मैप्स ही देखते हैं हमारी लोकेशन जो है रिट्राइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हम लोग इस पर एक बार प्रेस करेंगे यहाँ पे जो अपनी लोकेशन का होता है, तो अपने को एक बार लोकेशन ऑन करनी होगी बिकॉज हमने लोकेशन जो है वो नहीं ऑन कर रखी। तो मैं एक बार लोकेशन ऑन कर देता हूँ पहले। तो भाई देख सकते हो कि मेरी लोकेशन जो है सेक्टर 23 इनने उठा ली है, तो गूगल मैप्स भी एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है अपना यहाँ पे भाई। एंड उसके बाद क्रोम है, क्रोम ब्राउजर का मेरे हिसाब से इतना कोई यूज़ नहीं होता बट हाँ दे रखा है फिर भी इन किसी को मतलब जो है चलते फिरते भाई नेट यूज़ करना हो या कुछ अपनी चीज़ देखनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं बेसिकली इसमें। एंड वापस मैं एक बार इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ। देन आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसी आपके एंड्रॉइड में सेटिंग्स होती हैं वैसी कुछ सेटिंग्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बेसिकली पूरी की पूरी लोकेशन अकाउंट्स एंड आप सब कुछ जो है कर सकते हैं अपने हिसाब से। स्टोरेज एंड यूएसबी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये जो मैंने बताया था आपको 16 GB वेरियंट है बेसिकली, तो 1 GB जो है इसका ही यूज होता है अपना सिस्टम जो होता है उसका। तो यहाँ से एक बार बैक चलते हैं, वापस बैक चलते हैं एंड और चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, डेट एंड टाइम एक्सेसिबिलिटी और ये सारी चीज़ें हैं आपके ऊपर है कि आपको किस क्या यूज़ करना है क्या यूज़ नहीं करना। एनीवेज ये देख सकते हो स्टेटस और सब कुछ है। एंड्रॉइड वर्जन जैसे कि मैंने पहले बता दिया था 9.1 रहेगा यहाँ पे ये। और अब चलते हैं एक बार मोर की तरफ एंड ये सब एयरप्लेन मोड वगैरह हटाते हैं हम। एनीवेज अब मैं बैक पे चलता हूँ, सेटिंग्स मैंने आपको दिखा दी थी। एविन जो है अपना बेसिकली भाई जो ऑक्स केबल होता है उसके लिए होता है, ब्लूटूथ मोड मैंने दिखा दिया था, कैलकुलेटर है आप अपनी गाड़ी में चलते फिरते यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो भाई रिकमेंडेड नहीं है कि गाड़ी ड्राइव करें बट फिर भी मान लीजिए 45+ और कुछ भी आपको जो करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं बैठे बैठे अपनी गाड़ी में ही, कैलकुलेटर से आपको मिल जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ से, यहाँ पे कार सेटिंग्स मिल जाती हैं, कार सेटिंग्स मिल जाती है, डाउनलोड्स मिल जाते हैं, ईजी कनेक्शन में आपको बाद में दिखाऊंगा, फाइल मैनेजर आपको समझ आएगा होगा। तो बेसिकली भाई कुल मिला के जो है अपना ये मतलब एंड्रॉइड ही है। गैलरी में अभी हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ डाल ही नहीं रखा। तो एक बार जो है वापस बैक पे करते हैं एंड ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग लास्ट की तरफ, तो यहाँ पे आपको यूएसबी डीवीआर यानी कि अगर जो है भाई आपका रिवर्स कैमरा है या फिर कोई भी कनेक्ट कर रखा है आपने, वापस मेरे को दिखा थोड़ा सा कम करके, तो भाई ये यूएसबी डीवीआर बेसिकली अगर आपने कैमरा कनेक्ट कर रखा है तो आप 24 घंटे जो है देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। तो मैंने कैमरा नहीं लगवाया तो दिस वॉन्ट वर्क एज ऑफ नाउ। तो भाई ये था कुछ अपना एंड्रॉयड एंड मैंने आपको मोस्टली चीज़ें इसकी बता दी। अब हम बात करते हैं भाई इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो भाई ये आता है डीएसपी इनबिल्ट यानी कि डिजिटल साउंड प्रोसेसिंग इसके इनबिल्ट आती है। और ट्रस्ट मी म्यूजिक जो सेटिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, कार सेटिंग्स में जाके जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि डीडीआर है इसकी 2 GB, फ्लैश है इसकी 16 GB एंड ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। डिफॉल्ट सेटिंग्स आपको आप करनी हो कर सकते हैं, सिस्टम इन्फो मैंने आपको दिखा दी, ये कुछ है साउंड सेटिंग्स में आप सेट कर सकते हो, मैं अपने आप कर लूंगा। फैक्ट्री सेटिंग्स में पासवर्ड डालना पड़ेगा, कार सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो वही आपकी जो सेटिंग्स हैं वो खुल जाएंगी।
तो इसको हटा देते हैं एक बार। एंड्रॉयड सेटिंग्स, वॉल्यूम सेटिंग्स, ब्राइटनेस आप एडजस्ट है ये कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कम करनी है, आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही है, यहाँ से आपको बैकलाइट ऑन करनी है, ऑफ करनी है, तो आप कुछ भी जो अपनी मर्जी है वो कर सकते हैं इसमें। एनीवेज ब्राइटनेस हम कम ही रखते हैं एक बार। नेविगेशन जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको डिफॉल्ट कौन सा करना है, तो हमने मैप्स कर दिया यहाँ पे। एंड जीपीएस डिटेक्शन में आप देख सकते हो कि जीपीएस रनिंग है अभी, क्योंकि नेट के कनेक्टेड है तो जीपीएस सही दिखाएगा। स्टेयरिंग लर्न में भाई, इनकेस अगर आपकी जो गाड़ी है वो टॉप वेरियंट है तो आप स्टेयरिंग लर्न करवा सकते हैं यहाँ से। मतलब कि आप अगर यहाँ पे प्लस दबाएंगे तो यहाँ से अगर आप प्लस पे दबाएंगे तो स्टेयरिंग लर्न करेगा। लोगो में आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा लोगो जो है करना है, तो इसमें डिफॉल्ट एनिमेशन में सिलेक्ट कर रखिए। अदर सेटिंग्स जो है इसकी और सब कुछ आ जाती है, स्क्रीन सेटिंग ये सब। तो भाई ये थी कुल मिला के अपनी जितनी भी सेटिंग्स है। वॉल्यूम सेटिंग्स में एक बार कर लूँ, उसके बाद आई विल शो यू कि भाई गाड़ी जो है इसका आउटपुट कैसा है। ट्रस्ट मी, आउटपुट से तो मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। इजी कनेक्शन वाली जो चीज है ये आपको हिडन फीचर्स में दिखाऊंगा मैं किस पे, अपने हर्ष जो चौहान वाला चैनल है उस पे मजा आएगा आपको। तो भाई यहाँ पे चलाएंगे अपना ऑथेंटिक गाना, मैंने साउंड सेटिंग्स कर दी है बेसिकली यहाँ पे। तो अब टैप करते हैं ब्लूटूथ पे एंड इसके बाद यहाँ पे टैप करेंगे। और मॉडल चलाया भाई अपन ने एनसीएस का। रही बात तो मैं आपको बता दूं, इसमें डीएसपी एनेबल्ड है, मतलब भाई ऐसा लगता है आवाज गूंजती है एंड बहुत ज्यादा बढ़िया। तो आप एक बार थोड़ा सा जो है अपना साउंड एक्सपीरियंस सुन लीजिए। तो भाई ये कुछ था अपना साउंड एक्सपीरियंस। एनीवेज भाई मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि ऐसा कुछ है अपना ये जो लग रहा है। तो कमेंट सेक्शन लिख के बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, मैंने सारे फीचर्स आपको समझाया है, होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें कि इजी कनेक्शन वाला फीचर भी है जो बेसिकली भाई आपकी जो मतलब ये डिवाइस होती है उसको कास्ट कर देता है आपकी इस पे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर है। एनीवेज ये कुछ थे अपने इसके फीचर, कैसे लगे कमेंट सेक्शन लिख के बताइएगा। एंड ऊपर से जो आप क्लोज कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे एंड्रॉइड में आप क्लोज करते हैं वैसे आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं एंड उसके बाद जो है पूरा मैनेज कर सकते हैं। तो भाई आई होप कि आपको पसंद जो है आए होंगे।